जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। मैं यह वीडियो यह समझाने के लिए बना रहा हूँ कि ये लोग विकास के नाम का बहुत ढिंढोरा पीटते हैं। चुनाव के वक्त इस तरह का विकास करेंगे, आपके राज्य को नंबर एक बना देंगे, खान खुलवाएंगे, रोजगार दिलाएंगे, आदि आदि बहुत तरह की बातें हम आदिवासी सुनते ही रहते हैं। हालांकि मैं अपने वीडियो में डॉक्टर रामदयाल मुंडा का वह बयान भी आपको बताता रहा हूँ कि वे बोलते थे कि विकास आदिवासियों के विरुद्ध लड़ा जा रहा एक युद्ध है, क्योंकि विकास को किसी ने देखा नहीं और जिसे देखा है वह तो लुटेरा है। तो समझिए, नेताओं के भाषण में आने वाला विकास भी एक तरह का लुटेरा ही है आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन का। आदिवासियों को ये लोग जरूरत से ज़्यादा असहाय और गरीब मानते हैं। मैं ये भी हमेशा आपको बोलता रहा हूँ कि आदिवासी गरीब नहीं है। हमारे पास, आदिवासियों के पास जल, जंगल और ज़मीन है, और क्या चाहिए? यही तो ये लोग लूट रहे हैं, तभी हम गरीब हो रहे हैं। और ये लोग सोचते हैं कि जिस तरह की ज़िंदगी गैर आदिवासी जीते हैं, उसका बखान करके आदिवासियों को भी अपने विकास के मॉडल में लाया जाए। संविधान की 5वें अनुसूची की व्याख्या भी गैर आदिवासियों के नज़र में यह है कि धीरे धीरे आदिवासियों को भी सामान्य श्रेणी में लाया जाए। और हम आदिवासियों की अपनी व्याख्या यह है कि संविधान की 5वें अनुसूची संविधान के अंदर एक संविधान है। दुर्भाग्य की बात है कि दोनों एक दूसरे की नहीं सुनते, इसीलिए लड़ाई जारी है। अब हम इसके विकास मॉडल का ही आज पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। किस तरह हमें दिग्भ्रमित किया जाता है, उसका छोटा सा मॉडल तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मीडिया किस तरह भाजपा की कमियों को कवर फायर से ढक देती है। अभी हाल ही में अमेरिका ने अवैध रूप से घुसे भारतीयों को या अवैध घुसपैठियों को अपने देश से निकाल दिया है। जबकि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनका सपना था कि अमेरिकी भारतीय वीज़ा लेने के लिए लाइन में खड़े होने चाहिए। किस तरह जनता को सपने परोसे जाते हैं, इस इंसिडेंट से आप आसानी से समझ सकते हैं। उस समय नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और अपने भक्तों को भी सपना दिखा रहे थे कि अमेरिकी भारतीय वीज़ा लेने के लिए लाइन में खड़े होंगे। लेकिन हुआ उसके उलट। अवैध रूप से घुस गए भारतीय नागरिकों को एक जहाज़ में भर कर वापस भेजा गया है। आश्चर्य की बात नहीं है कि यह कोई पहली खेप हो। भारतीय अक्सर अवैध रूप से डंकी के माध्यम से अमेरिका में घुसते हैं। पकड़े जाने पर समय समय पर अमेरिका उन्हें वापस भेजता रहा है। 2023-24 में ही अमेरिका ने 96,000 से ज़्यादा भारतीयों को वापस भेज दिया। एक बार सोच कर देखिए कि नरेंद्र मोदी ने क्या सपने दिखाए थे कि अमेरिकी भारतीय वीज़ा के लिए लाइन में खड़े मिलेंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री के 10 साल होने के बाद भी अवैध तरीके से भारतीय घुसपैठियों की तरह अमेरिका में पकड़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने 2012 में कहा था कि मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब पूरा अमेरिका भारतीय वीज़ा के लिए कतार में खड़ा होगा। उन्होंने तब कहा था कि मेरा सपना यह है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा वह सपना पूरा हो और हमारा देश इतना समृद्ध हो कि पूरा अमेरिका वीज़ा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो। उसकी कुछ क्लिपिंग्स आप यहाँ देख सकते हैं। मेरा सपना ये है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा हो और हमारा देश इतना समृद्ध हो, इतना समृद्ध हो कि पूरा अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं अमेरिका आऊं उसके बजाय मैं ऐसा देश बनाना चाहता हूं कि अमेरिका को लाइन लगाकर वीजा लेने के लिए खड़ा होना पड़े। इस दिशा में हमको काम करना चाहिए और मैं इस उम्मीद के साथ लगा हुआ हूँ। ज्ञात हो, 2002 के गुजरात दंगा के बाद मार्च 2005 में अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को वीज़ा देने से इनकार कर दिया था, और 2012 तक में अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को लेकर अपनी वीज़ा नीति में कोई बदलाव नहीं किया था। इसके 2 साल बाद ही 2014 में वे प्रधानमंत्री बन गए और तब से लगातार इस पद पर हैं। लेकिन क्या आप ऐसा होते हुए देख रहे हैं कि पूरा अमेरिका भारत का वीज़ा लेने के लिए लाइन में कहीं खड़ा है? आइए इस सवाल का जवाब भारत सरकार के आंकड़ों से ही हम खोजने की कोशिश करते हैं। पिछले साल संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा था कि 2022 में 2,25,620 भारतीयों ने देश की नागरिकता छोड़ दी थी, जबकि 2015 में भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या 1,31,489 थी।
2016 में 1,14,603, 2017 में 1,33,049 लोगों ने नागरिकता छोड़ी, तो 2018 में यह संख्या 1,34,561 थी, जबकि 2019 में 1,44,017 और 2000 में 85,256, तो 2021 में 1,63,370 ने अपनी नागरिकता छोड़ी। 2020 कोविड का समय था। ये तो हुई वैध तरीके से भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की, यानी देश में जो राजनीतिक और व्यापारिक माहौल है उससे तंग होकर लोग नागरिकता छोड़ रहे हैं, बेहतर जीवन की आस में देश छोड़ रहे हैं। मौजूदा प्रशासनिक तंत्र से लोग इस तरह से त्रस्त हो गए हैं कि यदि आप कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं तो वसूली गैंग आपको घेर लेते हैं। सिस्टम ही इन्होंने ऐसा बना कर रखा है और लिफाफा सरकार तक पहुँचता है। छोटा मोटा व्यवसाय के लिए भी जब भूमि पूजन होता है तो सरकार में काबिज पार्टी हफ्ता वसूलने आ जाती है। इस कारण से जो लोग थोड़ा बहुत पैसा कमा लिए हैं वे लोग इन परेशानियों से दूर एक बेहतर ज़िंदगी के आस में अपनी नागरिकता छोड़कर दूसरे देश को जा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी तो उस समय अच्छे दिन लाने का वादा कर रहे थे। अब यह अच्छे दिन किसके आए? या तो किसी से छिपी हुई बात आज के समय में नहीं है, खुद भारतीय जनता पार्टी की, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से हजारों करोड़ रुपये वसूल लिए हैं, और उसके पूंजीपति दोस्तों की। वैध तरीके से ना जाकर अवैध तरीके से, जिसे डंकी के माध्यम से बोला जाता है, जिस पर शाहरुख खान की मूवी भी बनी थी, उस माध्यम से सैकड़ों की संख्या में भारतीय अमेरिका घुस रहे हैं। मतलब अमेरिका के वे लोग अवैध घुसपैठिए हुए जिन्हें अमेरिका वापस भेज रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के होमलैंड सुरक्षा विभाग के अनुसार, अमेरिका ने अवैध भारतीय अप्रवासियों से भरे एक विमान को भारत वापस भेजा है। होमलैंड सुरक्षा विभाग ने कहा कि 22 अक्टूबर को भारत के लिए एक बड़ी सी चार्टर रिमूवल फ्लाइट भेजी गई, जिसमें उन भारतीय नागरिकों को लाया गया जिन्होंने अमेरिका में रहने के लिए कानूनी आधार नहीं अपनाया था। गोदी मीडिया किस तरह से शुद्ध भाषा इस्तेमाल करती है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में यहाँ की गोदी मीडिया किस तरह अपनी भाषा बदल देती है, आप देख रहे हैं। अमेरिका के कानून के हिसाब से बिना कानूनी आधार के घुसे भारतीय नागरिकों को तुरंत वापस भेजे जाने की व्यवस्था है। वहाँ के अधिकारी ने कहा कि जून 2024 से 1,60,000 से अधिक व्यक्तियों को वापस भेजा गया है। इसके लिए भारत सहित 145 से अधिक देशों में 495 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भेजी गई। भारतीय सरकार ने पिछले साल संसद में कहा था कि अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा द्वारा उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा सामना किए गए अवैध भारतीय प्रवासियों की संख्या 96,917 थी। इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक साल में प्रति घंटे 10 भारतीयों ने अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश की, जिसमें 90,000 गिरफ्तार हुए। अमेरिका में जीवन का आकर्षण, हजारों भारतीयों, मुख्य रूप से गुजरातियों को खतरों के बावजूद अवैध रूप से इमिग्रेशन का जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करता है। अमेरिकी वित्त वर्ष 2024 में 90,415 भारतीयों को सीमा पर पकड़ा गया, जिसमें मेक्सिको से कनाडा जाने वाले लोग शामिल थे। अब बढ़ी हुई सतर्कता ने माइग्रेशन पैटर्न को बदल दिया है। डंकी के खतरनाक यात्रा और सीमा पार की कोशिश कर रहे अवैध भारतीय प्रवासियों की कई मौतों के बावजूद अमेरिका में जीवन का आकर्षण, विशेष रूप से गुजरातियों के बीच, मजबूत बना हुआ है। हमने तो सिर्फ नरेंद्र मोदी से सुना था या उनकी सरकार से कि कुछ दिन तो बिताइए गुजरात में, तो यह हकीकत है गुजरात मॉडल की। अमेरिका में वित्तीय वर्ष 2024 में 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 के दौरान 29 लाख अवैध अप्रवासी मेक्सिको और कनाडा के माध्यम से देश में प्रवेश करने की कोशिश करते पकड़े गए। इनमें से भारतीयों की संख्या 90,415 थी। यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के आंकड़ों से यह पता चलता है। अवैध इमिग्रेशन पर नज़र रखने वाली भारतीय एजेंसियों के सूत्रों ने कहा कि इस टोटल में से लगभग 50% गुजरात से थे। सूत्रों ने यह भी कहा कि हर घंटे 10 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 5 गुजराती थे। मतलब गुजरात मॉडल से सताए हुए लोग थे। अमेरिका के उत्तर में कनाडा के साथ अमेरिकी सीमा पर 43,764 गिरफ्तार किए गए, जो अब तक सीमा पर पकड़े गए भारतीयों की सबसे अधिक संख्या है।
वित्त वर्ष 2023 में पकड़े गए अवैध भारतीय अप्रवासियों की संख्या 96,917 थी। 2024 में अमेरिका मेक्सिको सीमा पर कम भारतीय 25,616 ही पकड़े गए, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह संख्या 41,770 थी। सूत्रों ने यह भी बताया कि सीमा पर पकड़े जाने वाले लोगों की संख्या उन लोगों की तुलना में बहुत कम है जो वास्तव में अमेरिका में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। मतलब कितने ही भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में घुस चुके हैं जिन्हें ट्रेस नहीं किया गया या ट्रेस नहीं किया जा सका। ये तो साक्षात जो घटना हो रही है उसकी बानगी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसे किस तरह लेगी? आपको हंसी भी आ सकती है, आपको दुख भी हो सकता है, लेकिन जो हो रहा है उसे भी देख लीजिए। देखिए, अमेरिका के द्वारा अवैध घुसपैठियों के रूप में भारतीयों को वापस भारत भेजे जाने की घटना पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा? वह कह रही है कि रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ व्यवसाय स्थापित करने के लिए वापस आ रहे हैं। ये लोग भारत की वैश्विक उपस्थिति से प्रभावित होकर भारत में व्यवसाय, पैसे और कैरियर बनाने की तलाश कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण नरेंद्र मोदी के 2012 के सपने को ही आगे बढ़ाते हुए कहती है कि भारत आदर्श रूप में एक ऐसा देश होना चाहिए जहां हमारे पोता पोतियों के रहने, जीने और देश के लिए योगदान देने की उन्हें प्रेरणा मिले। यह ऐसा देश ना हो कि आप बेहतर अवसर, नौकरी, कैरियर आदि के लिए यहां से भाग जाएं। और वे 2047 तक का भारत का स्वर्णिम बनाने का सपना दिखा रही है। इसे ही आपदा में अवसर खोजना कहते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी इसमें तो माहिर है ही। कोविड के समय भी हमने नरेंद्र मोदी को टीका के सर्टिफिकेट पर तो देखा, लेकिन उसी कोविड से मर रहे लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र पर नहीं। ये लोग सिर्फ उपलब्धि का बखान करने के लिए हमारे बीच आते हैं, पीठ पीछे भले ही सैकड़ों लोग मर रहे हों। 2012 में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि भारत को इतना मजबूत बनाना है कि अमेरिकी लोग भारतीय वीज़ा लेने के लिए लाइन में खड़े मिले। हालात कितनी उलट गई है कि लाइन में खड़ा होने के बाद भी भारतीयों को अमेरिकी वीज़ा अब मिल ही नहीं पा रहा है। इसी कारण से वे लोग डंकी के मार्ग पर अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने के प्रयास में पकड़े जा रहे हैं, और डॉलर भी आज के समय में 84 रुपये से ऊपर चला गया है। जबकि जब यूपीए की सरकार थी उस समय 60 रुपया से थोड़ा सा नीचे रुपया के गिरने पर नरेंद्र मोदी कटाक्ष करते थे कि रुपया और भारत सरकार में गिरने का कंपटीशन लग रहा है। और अब देखिए, 60 तो छोड़िए, 84 रुपये से ऊपर चला गया। तो आप समझ जाइए कि इन लोगों का जो विकास मॉडल है, इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती के साथ साथ मानव के जीवन को भी ये लोग अभिशाप में बदल दे रहे हैं। और अमेरिका के अवैध घुसपैठियों में आधे लोग तो गुजराती ही हैं। आदिवासियों को भी इन सब चीज़ों की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि ये लोग जब अपने लोगों को इस हालात में लाकर खड़ा कर दे रहे हैं, आदिवासी तो उनके अपने हैं ही नहीं। इसीलिए देश के आदिवासियों को सावधान हो जाना चाहिए। आज यदि हसदेव अरण्य नहीं बच पाता तो कल किसकी बारी है, यह आप अंदाज़ा लगाते रहिए। दूसरे तरीके से आप इस तरह समझ सकते हैं कि भाजपा ने किस तरह जनता को ठगा कि आज वे भारत छोड़ने पर मजबूर हैं। वैध ही नहीं, अवैध तरीके से दूसरे देशों में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जाना बहुत चिंता की बात है। यह नरेंद्र मोदी के सपनों का टूटना नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के शासन से सताए हुए लोगों के सपनों का टूटना है, जिस कारण उन्हें दूसरे देशों का सपना देखना पड़ रहा है। लेकिन आप इन राजनीतिज्ञों के चक्कर में अपने सपने को पीछा करना ना छोड़ें। खैर, जाते जाते ज्ञान की बात कि सपने वो नहीं जो आपको नींद में आए, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। सबको जोहार।